कोलकाता के आउट्रम घाट पर बिहार नागरिक संघ की तरफ से गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए सेवा शिविर लगाया गया है। बिहार नागरिक संघ की तरफ से तीर्थ यात्रियों के लिए रहने, खाने और सोने का भी इंतजाम किया गया है। ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बिहार नागरिक संघ की हैं। बिहार नागरिक संघ की तरफ से आउट्रम घाट पर गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए रहने, खाने और सोने का इंतजाम किया गया है। मेरा नाम नरेश साह हुआ, मैं बिहार नागरिक संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। किस तरह का सेवा दे रहा है और लोगों को किस तरह से सहूलियत मिल रही है? सेवा यहाँ पर 24 घंटा हम लोग 10 तारीख से 17 तारीख तक देश के कोने कोने से आए सभी तीर्थयात्री को निःशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा, ठहरने का व्यवस्था, चाय, नाश्ता, निःसंपूर्ण दवा, जिस भी चीज़ का प्रयोजन है यहाँ टोटल सारी सुविधाएं हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं। अब तक कितने दर्शनार्थी या तीर्थयात्री आपके यहाँ शिविर में बैठ चुके हैं? कौन कौन कितने निकल चुके हैं? चूँकि आज का उद्घाटन हुआ है तो आज हमारे पास यहाँ पर 500 आदमी आए हैं और वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसका काउंटिंग हम लोग खाता देखने के बाद बता देंगे। ये सिचुएशन है। हम लोग सारे लोगों को जो सेवा दे रहे हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क है और ये यहाँ पर जो तीर्थयात्री सारे देश से आते हैं और हम लोग सेवा आज से नहीं 44 साल से दे रहे हैं और ये 24 घंटा सेवा है। सुबह से लेकर रात तक का जो भी खाना पीना, नाश्ता, डिनर, लंच, जो भी सारा चीज़ यहाँ व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा भी जो मेडिकल सुविधा है, हर तरह की सुविधा, यहाँ आने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई जाना चाहता है, दिक्कत है, तो हम लोग भेजते हैं वहाँ से मंगाते भी यहाँ पर। और ये 10 तारीख को प्रत्येक सारे उद्घाटन होता है और 17 तारीख हम लोग का सेवा चलता है बिना रिकॉर्ड के।